ये पौधे जो हम सार्वजनिक जगहों में लगाते हैं ना, चाहे मैं लगाऊं चाहे दूसरे एनजीओ लगाते हैं या सरकारी तौर पे भी लगाए जाते हैं, उनका कुछ असर अच्छा नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में रहे वो 300 साल 350 साल तक भी वो जीवित रह सकता है। अभी बल्कि एक बैठक हो रही थी हमारे यहाँ की जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में 5 जून को, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात रखी कि हमें पेड़ लगाने से ज़्यादा वनाग्नि को रोकने की ज़रूरत है। 40 मिनट की आग अगर जंगल में लग जाती है तो इतनी देर में जो है लाखों पेड़ जल जाते हैं, और पेड़ ही नहीं जलते, पेड़ के साथ साथ अभी तो आपने देखा 11 तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी मैन पावर का ही नुकसान हुआ, आदमी जल के मर गए हैं। तो जंगल की आग तो बहुत खतरनाक है, उसको रोकने का प्रयास सबसे ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत है। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी से, जो कि रिटायर जिला आयुर्वेद अधिकारी आपके रहे हैं, और इन्होंने अभी तक जो है 4,10,000 पेड़ लगा दिए हैं, और इस समय ये उधम सिंह नगर जिले में पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर अभी जैसे हम आपके बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आप जो है वो आपका पेड़ लगाने में आप 4 लाख से ऊपर आप पेड़ लगा चुके हैं, तो इसके पीछे की क्या प्रेरणा रही सर आपकी? मेरे पिताजी मेरी प्रेरणा रहे। अच्छा। क्योंकि वो भी खुद वैसे सरकारी सर्विस में थे, लेकिन उसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। अच्छा। तो उनको देख करके मुझे भी समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी, और धीरे धीरे देख रहे हैं हम कि पर्यावरण कितना प्रदूषित होता जा रहा है और जीवन दुर्भर होने जा रहा है, मतलब गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, पानी की कमी हो रही है। तो इसको देखते हुए मैं शुरुआत में टिहरी गढ़वाल में एक धनोल्टी जगह है वहाँ पर रहा, तो दिन में हमारे पास 2 बजे के बाद समय रहता था, तो मैंने वहाँ पर जो है वहीं से शुरू किया। अच्छा। तो वहाँ पर जो सरकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सचल दल था वहाँ पर, उसका ऑफिस था, तो वहाँ पर अखरोट के पेड़ आए थे, तो वो मैंने वहाँ से खरीदे उनसे, और उसके बाद अपने एक स्टाफ के साथ में जाकर के जंगल में, वहाँ जंगल खूब था, तो मैंने अखरोट के पौधे लगाने शुरू किए। रोज़ 20-25 पौधे हम लगा लेते थे शाम तक, तो इस तरह से करीब 500 पौधे हमने वहाँ लगाए। उसके बाद 2-3 साल तो मैं वहाँ रहा। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरी जगह मैं जहाँ जहाँ पर ठीक है पोस्टेड रहे होंगे, हाँ पोस्टेड रहा, वहाँ पर मैंने उन्हीं क्लाइमेट के हिसाब से पौधे लगाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पौधे जो हम सार्वजनिक जगहों में लगाते हैं ना, चाहे मैं लगाऊं चाहे दूसरे एनजीओ लगाते हैं या सरकारी तौर पे भी लगाए जाते हैं, उनका कुछ असर अच्छा नहीं होता है, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लगा तो देते हैं पौधे, उसके बाद हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते, एक तो जानवर खा जाते हैं उन्हें, बिल्कुल, दूसरी बात ये कि हम गर्मियों में पानी नहीं देते हैं। तो फिर जब मैं यहाँ 1996 में हल्द्वानी मेरी पोस्टिंग हुई, ठीक है, तो उसके बाद से मेरे विचार आया, मैंने उसको तरीका अपना चेंज किया, मैंने अपना तरीका बदला, और मैंने जो है गांव के क्षेत्रों में जा करके लोगों को उनके उपयोगी पौधे वो भेंट करने शुरू किए। अच्छा। तो मैं साधारण उनको जाकर के वो पौधे भेंट करता हूँ, ठीक है, तो वही मेरा तरीका रहा। उसमें क्या है कि घर में जो है हम जब देते हैं वो भी उनके उपयोगी पौधे, अगर हम चीड़ या देवदार या क्या कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में या नीम के पौधे यहाँ पर पीपल के देने लग जाएं तो कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है लोगों के पास। तो मैंने क्या किया कि आम के, अमरूद के, कटहल, कटहल फायदा भी हो, हाँ, मतलब लगे उनको, हाँ, तेज पत्ता, आंवला, सहजन, इस तरह के पौधे जो है लोगों को, जो कि उनके फायदे के हों, हाँ, अगर वो 5-7 साल उन्हें पालते हैं तो उनको फल देने लगते हों, तो ऐसे पौधे। और मेरा उद्देश्य ये था कि लंबी उम्र के पौधे हों। अब देखिए जैसे ये आम, अमरूद या कटहल, कटहल का पेड़ 100-100 साल तक जीवित रहता है, इसी तरह ये पेड़ सभी जो हैं ज़्यादातर इनकी उम्र 50 से 100 साल होती है, और अखरोट सर्दियों में जो है हम जनवरी में, जनवरी से फरवरी 15 तक हर साल जो है हम 3,000 पेड़ अखरोट के पहाड़ में जो पहाड़ में ले जाते हैं, हर साल लगाते हैं, हर साल, ठीक है। मेरा कुल मिलाकर के एक साल में 20,000 कम से कम पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है मैंने अपना। अच्छा, प्रत्येक साल आप 20,000, उससे ज़्यादा ही हो जाता है थोड़ा, ठीक है, हाँ, पर कम नहीं होता। अच्छा। तो उसमें क्या है कि क्या नाम, जैसे अखरोट का पेड़ है, पहाड़ में अखरोट का पेड़ बड़ा अच्छा सर्वाइव करता है, लोग लगाते भी रुचि से, और एक पेड़ अखरोट का आपको जानकर बड़ा वो होगा कि कम से कम उसकी उम्र 200-250-300 साल तक भी जीता रहे। अच्छा। अगर हम उसको ना काटें, कोई और कैलेमिटी ना हो उसके साथ, या कोई जैसे कि मान लिया पहाड़ का हिस्सा कोई गिर गया, हाँ, या कोई और बात कंडीशन में रहे, नॉर्मल कंडीशन में रहे वो 300 साल 350 साल तक भी वो जीवित रह सकता है। अच्छा। इसीलिए जो है आप देखिए कि अंग्रेजों ने जब गाँव के
उसका डिमार्केशन के लिए भी जो है अखरोट के पेड़ लगवाए थे उस समय। अच्छा, क्योंकि वो तीन तीन चार चार सौ साल जीते रहते रहते बिल्कुल, और बड़ा हो जाता है पेड़। अखरोट के पेड़ तो ऐसे मैंने देखे हैं कि बिल्कुल पीपल के विशाल का है, विशाल का है, मतलब एक ही पेड़ से जो है कई बोरे अखरोट मैंने देखे। चलिए जी, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ पे जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे इस पॉडकास्ट पे अकड़ा कोटी सर भी आए थे, वो उत्तराखंड की जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। तो आप थोड़ा उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहेंगे कि उनको अगर जैसे पेड़ लगाने, आप तो चलिए खुद ही लगवा रहे हैं, तो उनको अगर अपने घर पे या कहीं पे जंगल में पेड़ वगैरह लगाना, तो किस तरीके के पेड़ वो लगाएंगे? देखिए पहाड़ में तो यही आम सेब अखरोट नाशपाती वगैरह जो हो सकता है, जैसे क्लाइमेट है उसके हिसाब से लगाना चाहिए। अच्छा, आपने मैदानी क्षेत्र में तो हम तो यही भेंट करते हैं लोगों को, आम अमरूद कटहल तेजपत्ता आंवला सहजन, ये जो कि उपयोगी भी हैं, इनके वैसे देखा जाए तो फल तो है ये, लेकिन साथ साथ इनका जो है वैसा उपयोग भी है, औषधि उपयोग भी है। हम उसको समझते नहीं है, लेकिन उसका औषधि, खैर वैसे जो है कड़ाकोटी जी तो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं औषधीय पौधों पर, लेकिन वो छोटे पौधे होते हैं, मैं उसके लिए उस पर लोगों को प्रेरित तो करता हूँ, ठीक है, कि भाई आप जो है उसकी खेती करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अपने आप तक गिफ्ट नहीं करता हूँ, छोटे पौधे नहीं करता हूँ मैं, बड़े होने वाले जो लंबे समय तक जीवित रहें ऐसे पौधे ही करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं वैसे जो है अभी एक चैनल है न्यूज़ चैनल, वो मेरे से एक सीरीज बनवा रहा है उसके बारे में, अच्छा हर्ब्स के बारे में, अच्छा हर्ब्स तो वो अलग चीज़ है, वो जानकारी ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब यहीं पे सर थोड़ा सा हम आगे और भी आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि पेड़ लगाने में, चलिए उनकी एज बहुत आपकी है और पेड़ की जब शुरू में बचपन में है तो उसको हमको केयर टेकर करना है, लेकिन अभी जैसे हमने उत्तराखंड में देखा हर साल गर्मियों में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है सर यहाँ पे आग लगने की, और अभी तो हमने देखा कितने जो आपके वन निगम के जो आपके कर्मचारी हैं इनकी डेथ जाती है, कुछ गांव वालों की जो आपकी जो उसको बुझाने जाते हैं आपको उनकी डेथ जाती है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताना कुछ कहना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है उसमें? नहीं बिल्कुल सही बात आपने उठाई है, अभी बल्कि एक बैठक हो रही थी हमारे यहाँ की जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में 5 जून को, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात रखी कि हमें पेड़ लगाने से ज़्यादा वनाग्नि को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि मान लिया जैसे मैं ही हूँ, मैंने 35-36 साल लगातार सन 88 से मैं कर रहा हूँ, इतने इतने लंबे पीरियड में मैं 4,10,000 पेड़ लगा पाया, उसमें से भी 100% ठीक है कितने नहीं हुए होंगे, मेरा तो अनुमान है 70, मेरा जो मैंने स्टडी करी 70% लगा हुआ, ठीक है। और मैं ये देख आप देखिए अगर 35-40 मिनट की आग अगर जंगल में लग जाती है तो इतनी देर में जो है लाखों पेड़ जल जाते हैं, और पेड़ ही नहीं जलते, पेड़ के साथ साथ अभी तो आपने देखा 11 तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी मैन पावर का ही नुकसान हुआ, आदमी जल के मर गए हैं, उसके अलावा जानवर कितने मरते हैं, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जानवर पूछ भी नहीं रहा है आज। हाँ, अगर आप देखें तो जानवर जैसे वो हिरण होते हैं या और दूसरे जानवर होते हैं, वो अपने बच्चों की मोह में जो है वो आग लगी होती है वो भागते भी नहीं, वो वहीं जल के मर जाते हैं, चिड़ियाँ मर जाती हैं अंडे वगैरह। इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जीवाणु जिनका कि हम कोई मोल समझते ही नहीं, वो भी तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, खराब हो जाए वो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कितने ही हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है, वो कितने नष्ट होते होंगे उसका तो कोई अनुमान ही नहीं। तो जंगल की आग तो बहुत खतरनाक है, उसको रोकने का प्रयास सबसे ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत है। मैंने तो सुझाव भी दिया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज करके भी सुझाव दिया है, वन मंत्री जी को भी सुझाव दिया है कि हम जो है क्लाउड सीडिंग कराएं। ये क्लाउड सीडिंग मैंने जो कृत्रिम वर्षा कृत्रिम बारिश कराएं, और आज कृत्रिम बारिश अभी दर्शकों को भी सुनकर के बड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि कृत्रिम बारिश इतनी आसान नहीं होती, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 1940 में अमेरिका में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, उसके बाद भारत में 1981 में अच्छा तमिलनाडु में कराई गई थी, और उसके बाद हमारे दक्षिणी राज्यों में कई बार कराई गई है, बहुत बार ये सफलतापूर्वक कराई गई है जो है, क्योंकि इतना कठिन चीज़ नहीं है आज के ज़माने में, इसमें जो है ऊपर एयरक्राफ्ट से सिल्वर नाइट्रेट के कण छोड़े जाते हैं और वो ठंडा कर देते हैं ऊपर तापमान को, उसके बाद जो है संघनित होकर के वाष्प जो है वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है, और जब एक बार गिरती है वो तो अपने साथ काफ़ी लेके आती है, लेके आती है। और ये भी एक भ्रांति है कि
कि ये अनियंत्रित हो जाती है बारिश, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, सऊदी दुबई वाला जो एग्जांपल था, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से ये कंट्रोल्ड रहते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसे तो आप दुबई का लोग गलत उदाहरण दे रहे हैं। इसके बाद तो अफगानिस्तान में इतनी बड़ी बाढ़ आई, अफगानिस्तान तो इतना सक्षम देश नहीं है कि वो कृत्रिम बारिश करा सके, तो वहाँ क्यों आई इतनी बारिश? और भी कई जगह बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होती है, बिना कराए भी होती है, तो वो तो एक ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, अतिवृष्टि या अनावृष्टि तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम प्रयास करके जो है बिल्कुल उसको कर सकते हैं। हाँ, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कई बार कृत्रिम बारिश कराई गई, क्योंकि वहाँ पर उस समय ऐसी बहुत ज़्यादा ड्रॉट की स्थिति आ गई, सूखे की स्थिति आ गई थी, तो वहाँ पर पानी नहीं था, तो उसको पानी को तालाबों को रिचार्ज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सर, इसमें कॉस्ट वगैरह क्या आती होगी लगभग? अगर कॉस्ट जो है, एक तो IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ये इसके लिए इन्होंने कराया है। अच्छा। और इनके पास इसकी तकनीक उपलब्ध है। ठीक है। और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार 1,00,000 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर अच्छा इसकी कॉस्ट आती है, और वो कम भी हो सकती है, क्योंकि आजकल एयरक्राफ्ट की जगह हम जो ये ड्रोन्स होते हैं, बड़े वाले ड्रोन्स, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी करके और युवाओं को ड्रोन दिए हैं खेती के पर्पज से, खेती में जो है उर्वरक और क्या कहते हैं रसायन डालने के लिए, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। उनका उपयोग करके अगर हम करेंगे तो छोटे छोटे हर गांव में उपलब्ध है आजकल ये ड्रोन्स, उनको ट्रेंड हैं, उसको थोड़ा सा और ट्रेनिंग दे के और उनको और प्रशिक्षण दे करके इसको किया जा सकता है। बिल्कुल, वो छोटे छोटे एरिया में भी हम ड्रोन्स का उपयोग करें तो ये तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। जी जी सर, यहीं पे जैसे ना मैं देख रहा हूँ दो तरीके के लोग हैं, एक आपके जैसे कैटेगरी के हैं जो पेड़ लगा रहे हैं या पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने रिपोर्टों में देखा है जो जंगलों में आग लगने का विशेष कारण ये बताया जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, वही उसको आपका जलाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि चलो जमीन आपका सही हो जाएगी। हमारे यहाँ जैसे अगर उत्तराखंड में बात करें, पिरूल जो जलाने के लिए उसको लोग वहाँ पे आग लगाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो नहीं करें, क्योंकि लोगों की मानसिकता पता नहीं क्या है, वो लगा के जले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत गलत मानसिकता है, लोगों को बहुत पहले से ऐसे दिमाग में बैठ गया है कि अगर हम घास जला देते हैं, आग लगा देते हैं तो घास अच्छी आती है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। और घास तो वैसे अपने आप ही आती ही है, बिल्कुल, ये जलाने से इसका नुकसान ही होता है, क्योंकि जितने घास के बीज पड़े रहते हैं वो भी जल जाते हैं, और साथ साथ जो उसकी उर्वरा क्षमता होती है जमीन की, वो भी एक साथ एकदम टेम्परेचर हाई होता है, तो वो उसकी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं या वो और चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये इनकी भ्रांति है। और इस पर अभी उत्तराखंड सरकार ने जो है सजा का प्रावधान किया है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कड़ाई से इनको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो है जगह जगह इस तरह की संगोष्ठियाँ की जानी चाहिए, स्कूलों में भी बताया जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कुछ शरारती तत्व ऐसा भी देखा है हमने, जिनका कोई पर्पज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है एक मजे के लिए जो है, वो यंगस्टर्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल 10-15-20 साल के लड़के जो है मजे के लिए जो है वो छिलका कहते हैं, हाँ, हमारे चीड़ वाला उसको जला करके और वो ऊपर उछाल देते हैं, और वो एकदम विकराल रूप ले लेता है। और कुछ जो वन माफिया हैं वो भी करते हैं ऐसा, वो भी करते हैं, क्योंकि वो अपने पहले काट चुके होते हैं पेड़, तो उसके बाद उनको अपनी रिकॉर्ड के लिए, मतलब कि वो दिखाने के लिए कि पूरा ही जला दो, सब आग में, सब आग में जल गया। हाँ, प्लांटेशन जितना करना चाहिए उतना होता नहीं है, बाद में आग लगा करके ये होता है कि हमने तो प्लांटेशन किया था, वो जल गया होगा। हाँ, तो ये भी एक है, इसको भी देखा जाना चाहिए। एक आम आदमी कैसे रोक सकता है सर इस जंगल की आग को? अगर हम आम आदमी ये है कि देखते ही अगर आग को देखते हैं तो उसको तुरंत जो है अपने खुद भी प्रयास करना चाहिए और सूचना करनी चाहिए। आजकल टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं सरकार की तरफ से, वन विभाग के, उन पर सूचना कर सकते हैं, आजकल तो फ्री है वैसे भी, और ये टोल फ्री नंबर है। मैं तो आज से बहुत पहले की बात है जब ऐसा टोल फ्री नंबर और इस तरह की कोई वो भी नहीं थी, मोबाइल होते भी नहीं थे, भीमताल में एक समय मैं पोस्टेड रहा, तो भीमताल में जो है मैंने देखा कि बोराखून एक जगह है, वहाँ पर मैंने आग देखी उठती हुई भीमताल से, तो मैंने लैंडलाइन नंबर से जो है वो उस समय की DFO जो थी, महिला थी कोई, उनको मैंने सूचित किया, उन्होंने कहा ठीक है हम भेज रहे हैं, मतलब टीम, जब तक वो टीम भेजते मैं भी वहाँ पहुँच गया था, मैं भी पहुँच गया था वो उस टीम में, वो एक रेंजर तिवारी जी थे, उनके साथ हम भी गए वहाँ पर ऊपर और हमने वहाँ पर आग बुझाई। देखिए मैंने और भी बहुत बार किया है, जब मैं रुद्रपुर से आता था हल्द्वानी की तरफ तो मेरे साथ में मेरे एक दो स्टाफ रहते थे गाड़ी में, तो हमने कई बार वहाँ पर 3 बार हमने आग बुझाई टांडा जंगल में,
हमने देखा कि आग लग रही है तो हमने जो है, अगर हम शुरुआत में आग बुझाने की कोशिश करें तो हम बहुत आसानी से बुझा सकते हैं। अगर 10, 20, 30 मीटर तक आग फैली है, 40 मीटर तक फैली है, तो हम और कुछ हमारे को नहीं मिलता है तो वहाँ के पेड़ों की टहनियाँ तोड़ करके उनसे बुझाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किलोमीटर के हिसाब से, फिर संभव नहीं होता है। तो एक तो सूचित करें, दूसरी बात खुद भी कोशिश करें। मैंने वहाँ पर, अब टांडा जंगल की आपको बात बता रहा हूँ, लोगों के अंदर सामाजिक अपना दायित्व नहीं समझते लोग, भारत के लोग। वहाँ से कितने ही वाहन गुजरते थे, हम लोग बुझा रहे होते थे, लेकिन कोई भी आदमी रुकता नहीं था। अगर वो भी रुक जाते तो वो आग तुरंत जल्दी नियंत्रित हो जाती। और कुछ शरारती लोग होते हैं ऐसे, मैंने देखा है वहाँ पर, उसमें हमें दिखाई दिया वहाँ पर शराब की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े वगैरह, उन्होंने वो मतलब वहाँ पिकनिक करी होगी और वो जलता हुआ छोड़ गए होंगे। तो ये एक तो अपने अंदर, अपने देश के लिए हमें वो सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, जैसे लोग, कई लोग सामान्य नागरिक होते हैं, वो एक आरोप लगा देते हैं कि साहब वन विभाग वाले कुछ नहीं करते हैं, आग नहीं बुझाते। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा, उनके साथ मैं भी गया हूँ, जिस समय प्लेन्स की वैधानिक क्षेत्र की अलग बात है, लेकिन जब पहाड़ों में आग लगी होती है ना, और ख़ास तौर पर शाम के बाद, रात के बाद, तो उस समय बुझाना बड़ा नामुमकिन इसलिए होता है कि अगर हम, मैं गया एक बार का किस्सा बता रहा हूँ, जब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, मैं भी था उनके साथ, फॉरेस्ट वालों के साथ, तो हम ऊपर को चढ़ रहे थे, तो वहाँ से जो है एक बिल्कुल पत्थर, गर्म पत्थर, क्योंकि उस समय जो पत्थर होते हैं हाँ। वो गर्म हो जाते हैं बिल्कुल लाल, और वो एकदम लुढ़कते हैं, लुढ़कते हुए आते हैं। तो वो हमारे एक फॉरेस्टर के कंधे पे लगा था और उसे बहुत चोट लगी थी। हाँ। वो अच्छा है, देव योग से अच्छी बात है कि उनकी साथ कोई दुर्घटना ऐसी बड़ी नहीं हुई, लेकिन चोट काफ़ी लगी। उस समय क्या होता कि जैसे चीड़ के जंगल में ही खास आग लगती है, चीड़ के जो फल होते हैं जिसे पहाड़ में स्यूत बोलते हैं, हाँ, स्यूत बोलते हैं, हाँ। वो जो है जब आग लगती है उनमें, वो लुढ़कते हुए आते हैं। हाँ, हाँ। और लुढ़कते हुए आते हैं, वो आदमी जब ऊपर को जाएगा तो उसके ऊपर टकराएंगे। हाँ। दूसरी बात, वो फैलाते हैं आग को, हाँ, उसमें ज्वलनशील तेल होता है, लीसा जिसको लीसा होता है, हाँ। उसकी पत्तियों में भी होता है। अभी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, पिरुल वाला, पिरुल को जो है 50 रुपये किलो खरीदने का। तो अगर ये प्रैक्टिकली हो जाए बहुत अच्छी बात है, इसको जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए तुरंत, ताकि वो लोग उसको लालच में मैंने उसके उसको बचाएं, उसको मतलब आग ना लगाएं, उसको बेचें, सरकार उसको बेचें, तो बेचने के उसमें जो है वो इकट्ठा करेंगे तो आग कम लगेगी। उसके अलावा हमें जो है जल स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा, पहाड़ों में जो है हमें जल संरचनाएं जो है उनको बचाना पड़ेगा जो पहले से थी, और नए जो है छोटे छोटे गड्ढे खोद करके, ताकि बारिश का पानी उसमें रुके। बारिश का पानी अगर रुकता है, तो अगर बरसात के दौरान वो 3-4 महीने रुकता है, तो उसमें वेजिटेशन वहाँ पर हरियाली हो जाएगा, उसमें नमी बहुत समय तक बनी रहती है, और ये एक बहुत आगे के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ। एक लंबे समय के लिए हमें अगर करना है, हाँ। जंगलों को बचाना है, तो हमें जो है हरियाली बनानी पड़ेगी, बढ़ाने के लिए यही है चाल खाल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात में चाल खाल के बारे में, चाल खाल, लेकिन प्रैक्टिकली सही में होना चाहिए काम। अच्छा, हमारे यहाँ असल में देश में हमारे क्या है कि प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे मतलब आइडिया लेके चलते हैं, बहुत अच्छी अपनी बातें कह रहे हैं और कर भी रहे हैं अपने स्तर पे, इतना उम्र होते हुए भी वो इतना एक्टिव हैं। लेकिन हम लोग नीचे वाले स्तर के लोग जो हैं, जिन्होंने करना चाहिए, वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर वो सब एक्टिव हो जाए, हर नागरिक इतना अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे, तो फिर कहने की बात ही क्या है। अगर इतने चाल खाल बन जाए और वास्तव में उनमें काम हो, तो नमी बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी तो हाँ। एक और कारण मैं बताता हूँ आपको जी, ये प्रैक्टिकली बात देखी हुई है और ये बुजुर्गों से सुनी भी बात भी है, प्रैक्टिकल बात भी है, कि पहाड़ जब पलायन हो गया ना, तो पलायन की वजह से खेती हो नहीं रही है, खेती नहीं हो रही है तो वहाँ पर बंजर हो गए खेत, तो उसमें पानी बिल्कुल स्रोत, जल स्रोत जो है उनके नीचे के, वो खत्म हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, पहले हल चलता था, हल चलने से जमीन हल्के से दुभरूरी रहती थी, तो वो पानी जितना बरसता था वो तो नीचे जाता, वो नीचे जाता था, कैपिलरी एक्शन से नीचे जाता था। जब वो नीचे जाता था तो जमीन रिचार्ज होती थी। बिल्कुल, ये पहाड़ की बात भी है और मैदानी क्षेत्र की बात है। मैदानी क्षेत्रों में तो अच्छा है कि अभी तक पलायन नहीं हुआ है, खेती हो ही रही है, लेकिन हमें जो है एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत महत्व देना पड़ेगा। आप काम भी कर रहे हैं उसमें? मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभी तक करीब 6 तालाब काफ़ी बड़े स्तर, बड़े मतलब मध्यम आकार के बनाए हैं, जिसके कि 20-25 फीट वर्ग फीट जो है आकार के बनाए हैं। कुछ तो जब मैं उधम सिंह नगर में जहाँ मैं था वहाँ बनाए 3 तो, और बाकी मैंने यहाँ पर बनाए। अच्छा, तो घर में भी मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है, उसमें 1 लाख लीटर से ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है।
तो हम हमारी छतों का पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। अब जमीन का रिचार्ज ना होने का कारण क्या है, तमाम जगह हमने डामर की रोड्स बना दी हैं, सीमेंट हो गया है, तमाम हो गया है, कहीं जगह प्लान की वजह से जो है प्लॉइंग नहीं हो रही, मतलब खेती में नहीं हो रही है, तो उसमें वैसे बंजर हो गई वो जगह, तो जमीन के अंदर नहीं जा रहा पानी। हाँ, पहले धीरे धीरे पानी बरसता था और जमीन के अंदर जाता था, और इसी कारण से अब देखेंगे आपकी जमीन रेन का जो पैटर्न है ना, वर्षा का जो पैटर्न है वो भी बदल रहा है। पहले सज्जड़ होती थी, जब हम छोटे थे हमने देखा कि 7-7, 8-8 दिन तक लगातार सज्जड़ कहा जाता था, स्कूल जाना भी बंद हो जाता था, 7 दिनों तक 8 दिनों तक लगातार धीरे 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 वो रिमझिम बारिश होती थी, वो पानी नीचे, वो पानी जमीन में जाता था। अब क्या है कि तेज एक बार आता है, बादल फट, सब कुछ बहा ले जाता है, बादल भी फट रहे हैं पहाड़ में, कितनी बार जो होता है कि वो पैटर्न चेंज हो गया, लोगों ने पेड़ जंगल काट दिए हैं, और उसकी वजह से जो है वो बादल एक ही जगह में इकट्ठे होकर बरस जाते हैं, वो तबाही लाते हैं। अगर हमें तबाही से बचना है ना, प्रकृति हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी हमसे जो है बिल्कुल वो भी अपना रूप बदल ही रही है। तो किताबों में पहले पढ़ते ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अब तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बारिश ही नहीं हुई है, टेम्परेचर अगर हम देख रहे हैं पहाड़ों में भी, आप लोग पंखे लगाने लग गए, वहाँ पे भी चल ही रहे, नैनीताल जैसे शहर में आपके लोग पंखे लगा रहे हैं, रानीखेत में, हर जगह प्रॉब्लम तो है ही। आपको मैं बताऊँ, मेरे पिताजी ने बताया था कि 1962 में देहरादून में राजपुर रोड पे बर्फ पड़ी थी, हालांकि वो ठहरी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन पड़ी तो थी, पड़ी थी। हाँ। आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। हाँ। देहरादून तो छोड़िए, मसूरी में किसी साल हो जाए, 3-4 साल में एक बार ढंग से बर्फ पड़ जाए तो तभी होता है, बहुत बड़ी बात होती है। बर्फ का पड़ना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो धीरे धीरे जमीन को रिचार्ज करते, पानी, बिल्कुल पानी को रिचार्ज करते, पानी का रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। अब उधम सिंह नगर में मैं रहा, वहाँ पर जो है पहले बताते हैं लोग बाग की 20-30 फीट में ही जो है पानी आ जाता था, अब 100-200 फीट में भी नहीं मिल रहा है, और नीचे जाना, वाटर टेबल नीचे ही गिरता जा रहा है, है ना। इसका एक कारण एक और भी है कि वहाँ पर जो है धान की 2-2 फसलें लेते हैं, तो धान की फसल में पानी ज़्यादा लगता है, इसको जो है सरकार ने थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए, ठीक है, कि भाई एक ही फसल लें, और ज़्यादा जमीन के पानी का हम दोहन कर रहे हैं वो भी गलत है, उतना रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं वो गलत है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें आपने हमको यहाँ पे बताई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।